मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि अच्छा टीचर बनाना स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। बेसिक टीचर का नॉलेज थोड़ा सा कम हो, फिर भी अच्छा टीचर स्टूडेंट बना सके। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ एक एक्सपेरिमेंट करो। जब भी आपका टीचर क्लास ख़त्म करके निकले ना, और जब वो 15 फुट 20 फुट आगे जा ले, जब पीछे से जाओ, मैडम एक मिनट, हाँ बेटा, और मैम से कहो कि हमारे को 10 टीचर और पढ़ाते हैं, पर मैम जितना अच्छा आज आपने पढ़ाया ना, इतना अच्छा कोई और नहीं पढ़ा सकता। यू आर दी बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। न्यू कहते ही और मैडम खुश हो जाएंगी, आपका नाम पूछेंगी, शाबाशी देंगी, और जैसे ही आप मुड़ोगे ना, मैडम के दिमाग में एक विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। दो ये तो संभावना है, या तो मैडम बहुत अच्छी हैं और या तो मैडम बहुत अच्छी नहीं है। अगर बहुत अच्छी हुई तो ये सोचेंगी, अरे गीता तो बड़ी समझदार लड़की है, इसको अभी से ये पता लग गया कि मैं इस स्कूल की सबसे बढ़िया टीचर हूँ। सच में ये लड़की तो बहुत ऊपर तक जाएगी, जीवन में जरूर सफल होगी। और अगले दिन जब क्लास में आएगी ना, तो मैम की नज़रें सबसे पहले किसको ढूंढेंगी? गीता को। उल्टा भी हो सके, से मैडम अच्छी मैडम है ही नहीं, पढ़ा के कुछ गई ही नहीं, आता जाता कुछ था ही नहीं, लेक्चर तो तैयार ना कर रखा था, और आपके कह आए, मैडम यू आर दी बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। जैसे ही आप मुड़ोगे, मैडम का तो भाई टेंशन आकाश में जागा एकदम से, हैं मैं तो इस छोरी ने बावड़ी सी ला रही थी, इसने भी बेरा से कि मैंने कुछ नहीं आता, और जब इसने बेरा है तो बाकी क्लास मेरे बारे में क्या सोचती होगी। और मैडम ने सारी रात नींद ना आवे, अगले दिन जल्दी उठ के तैयारी करेगी, और जैसे ही क्लास में जागी ना अगले दिन, सबसे पहले किसकी तरफ देखेगी? गीता की तरफ। और फिर कोशिश करेगी जिसा काल पढ़ाया था ना, उससे अच्छा पढ़ा है, और पढ़ाने के बाद फिर देखेगी गीता की तरफ। मैडम जब तक एक अच्छी टीचर नहीं बन जाएगी, तब तक वो इसी परेशानी को झेलती रहेगी। बेटा साफ साफ संदेश में देना चाहता हूँ, टीचर की प्रशंसा करना सीखो। कोई बात नहीं, कोई थोड़ा सा कम अच्छा भी हो तो भी आप उनका रेस्पेक्ट करो, उनकी प्रशंसा करो, और उनको यह आभास दिलाओ कि आपका स्थान हमारे जीवन में बहुत उच्च है, आपकी वजह से ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। फिर देखना कोई टीचर अच्छा टीचर कैसे नहीं बनेगा, ये सब स्टूडेंट्स के हाथ में है। नॉलेज तो बेटा सबके पास है, क्वालिफाइड भी सब हैं, कोशिश भी सब करते हैं, पर जब किसी की प्रशंसा का प्रोत्साहन मिलता है ना, तो अलग ही मज़ा होता है। हर टीचर चाहता है उसका सम्मान हो, वो एक अच्छा टीचर बने, बच्चे उसको पसंद करें, और बच्चे भी उसी टीचर को पसंद करते हैं जो मेहनत करके आता है, जो उन्हें सेटिस्फाई करता है, जिनको बोलने की, व्यवहार की और सारी चीज़ों की अव्वल परख है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं बोलते ना बच्चों से, कोई पसंद नहीं करेगा, बेसिक नॉलेज कितना ही हो। मैं साफ साफ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बेटा अपने टीचर्स का सम्मान करो, प्रशंसा करो, और उनमें से जितना कुछ लिया जा सकता है लो, जीवन में बहुत काम आएगा। थैंक यू।